नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल व्हीकल बाबा जी में। दोस्तों आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए हीरो इलेक्ट्रिकल AE8 का रिव्यू। हाँ दोस्तों, हीरो इलेक्ट्रिकल AE8 जो कि काफ़ी पॉपुलर हो रही है इस टाइम, मैं देख रहा हूँ YouTube पर और नेट पर काफ़ी इसके चर्चे हो रहे, तो मैंने भी सोचा कि क्यों ना मैं भी आप लोगों के लिए इसका एक रिव्यू बना दूँ। तो दोस्तों बने रहिए मेरे साथ और मैं आपको ले चलूँगा इसके रिव्यू की तरफ। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर कितना शानदार कलर दिया हुआ है इसका, और आप यहाँ पर ये देख सकते हैं काफ़ी अच्छा स्पेस दिया गया है इसमें। बात कर लेते हैं इसके फ्रंट के लुक की, तो दोस्तों देखिए यहाँ पर फ्रंट में कितना अच्छा लुक दिया गया है। यहाँ पर LED लाइटिंग दी गई है, साइड ग्लासेस दिए गए हैं, और ये देखिए यहाँ पर बात करें इसके टायर की तो ट्यूबलेस टायर अलॉय व्हील में दिए गए हैं दोस्तों। और अब बात कर लेते हैं इसके बैक की लुक की दोस्तों, तो बैक से आप ये देखिए देख सकते हैं यहाँ पर बैक लाइट जो दी गई है LED लाइट लग रही है मुझे तो। और यहाँ पर दोस्तों ये देखिए ये कितना अच्छा स्पेस दिया गया है, यहाँ पर आप काफ़ी सामान कैरी कर सकते हो। तो बात कर लेते हैं इसके स्पेसिफिकेशन की, तो आइए देखते हैं इसमें क्या क्या स्पेसिफिकेशन रहेगा। दोस्तों बात करें इसके किलोमीटर ड्राइविंग रेंज की, तो दोस्तों इसका 80 किलोमीटर पर चार्ज इसका टाइप रहेगा, 45 किलोमीटर पर आवर इसकी मैक्सिमम स्पीड रहेगी। और इसके ब्रेक जो हैं वो ड्रम ब्रेक रहेंगे, और इसमें ट्यूबलेस टायर रहेगा। कंसोल रहेगा इसका डिजिटल कंसोल रहेगा दोस्तों। इसके दोनों ब्रेक जो रहेंगे फ्रंट और रेयर दोनों ड्रम ब्रेक रहेंगे। फीचर्स की हम बात करेंगे तो DRL इसमें रहेगा, क्लॉक रहेगा आपको, स्पीडोमीटर डिजिटल देखने को मिल जाएगा, ट्राइपोमीटर आपको डिजिटल देखने को मिल जाएगा। और इसमें चार्जिंग हम देख लेंगे, चार्जिंग जो इसकी रेंज रहेगी 80 किलोमीटर पर चार्ज आप चला सकते हो। और स्टार्टिंग इसका सेल्फ स्टार्ट रहेगा, ट्रांसमिशन ऑटोमेटिक रहेगा, स्पीडोमीटर डिजिटल, क्लॉक रहेगी, कैरी हुक रहेगा, पैसेंजर फुटरेस्ट रहेगा, इसमें आपको फुटरेस्ट देखने को मिल जाएगा। बात कर लेते हैं चेसिस एंड सस्पेंशन की, तो दोस्तों इसमें हेडलाइट जो रहेगी LED की हेडलाइट रहेगी, टेल लाइट भी LED रहेगी, टर्न सिग्नल लैंप रहेगा वो भी LED रहेगा, DRL आपको देखने को इसमें मिल जाएगा दोस्तों। अलॉय व्हील में इसके टायर रहेंगे, ट्यूबलेस टायर रहेंगे, फ्रंट और रियर बैक ड्रम ब्रेक रहेंगे इसके। आइए दोस्तों बात कर लेते हैं इसकी प्राइसिंग की। दोस्तों अभी तक तो ये इंडिया में लॉन्च हुई नहीं है, लेकिन अभी सुनने में आ रहा है कि ये अक्टूबर नवंबर 2021 के आसपास लॉन्च होने वाली है हीरो A8। और दोस्तों बात कर लेते हैं इसकी प्राइसिंग की, तो इसकी दोस्तों प्राइसिंग जो रहेगी 70,000 के ऊपर ही रहने की प्राइस है वैसे, 70,000 के आसपास या इससे थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है। और दोस्तों देखेंगे जब लॉन्च होगी तो फिर कितना प्राइस रहेगा, उसके बाद चलाने के बाद मैं आपको रिव्यू बताऊंगा, शोरूम पर जाकर रिव्यू बताऊंगा। और अगर आप चाहते हो कि मैं इसका आपको लाइव रिव्यू दूं तो आप कमेंट में लिखो A8, तो मैं आपको लाइव रिव्यू दूंगा जब ये लॉन्च हो जाएगी किसी शोरूम पर जाकर। और दोस्तों इसके अलावा आपने हमारे दूसरे हीरो ऑप्टिमा का रिव्यू नहीं देखा तो आप यहाँ पर आई बटन पर जाकर देख सकते हो हीरो ऑप्टिमा का रिव्यू। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ मैं करूँगा वीडियो को ख़त्म, अब मैं मिलूँगा आपको अगली वीडियो में। जय हिंद।